वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 40 में आपका स्वागत है। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। आपको यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, जिसमें आपको एक एपी भी दिया हुआ है, राइट? ये हमारी एपी है, तो हम इससे कुछ वैल्यूज काउंट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 9 और लास्ट टर्म है वो हमारा होगा 124। और आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? फाइंड एन इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा बोला गया है। आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? हमारे पास लास्ट टर्म, इट मीन्स हमारे पास ए एन दिया हुआ है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की वैल्यू क्या है मुझे मालूम नहीं है, बट वो वैल्यू मेरे पास है कितनी, 124 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 9। अब मैं इस 124 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, तो 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। इसमें से ये 120 इज इक्वल टू एन माइनस वन 9। अब इसको यहाँ पे लेके जाइए आप, तो 120 बाय 9, तो डिवाइड कर लेते हैं, साइड से डिवाइड होगा ये 9 वन ज़ा 9, कितना होगा ये 30। शायद से कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का गड़बड़ी कर दिया है। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, ठीक है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा 5 था, तो 5 ले लेते हैं, ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन, राइट? अब 120 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 टू ज़ा 10, 20, 5 4 ज़ा 20, राइट? तो ये कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन। इस 1 को इधर लेके आ जाइए, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, 25 इज इक्वल टू एन। इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। काफ़ी छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, तो आपको बस क्या दिया हुआ है और आपको क्या क्या वैल्यूज मिल सकती है और क्या ढूंढना है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। मिलते हैं पार्ट 15 के अंदर। शायद से मैं आपको इस पार्ट 15 के अंदर आपको मैं सम ऑफ एपीज करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं पार्ट 15 में।